हाय गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड का इंटरव्यू जो 25 से 30 जुलाई के बीच में हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि बहुत बार भी पूछे जा चुके हैं। और पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल के जानते हैं नीले नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, लाल लिटमस में बदल देता है। तो वो कार्य करता है, अम्ल के द्वारा कार्य होता है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे भारी धातु जो होती है वो यूरेनियम होती है। इसके बाद पूछा गया कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर है, मालवंकर थे, जीवी मालवंकर थे। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई वो 26 जून 1975 ईस्वी को किया गया था, जो कि 21 मार्च 1977 को वापस लिया गया था। लगभग 2 साल का ये राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था तीसरी बार। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछे जा रहे हैं। और आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अवमूल्यन डी वैल्यूएशन किसे कहते हैं? तो अवमूल्यन किसे कहते हैं? यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य किसी मुद्रा के तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य किसी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। तो यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। तो यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। और इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। इसके बाद पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, जो कि 567 ईसा पूर्व में हुआ था। और आगे एक चीज मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग फेसबुक पर सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर का ग्रुप चलता है, अगर जो लोग फेसबुक चलाते हों अगर ग्रुप से जुड़ना चाहें जिसमें कि बहुत से जॉब से रिलेटेड तैयारियां होती हैं, आप लोग चाहें तो ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये उसका लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। आइए चलिए आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। और इसके बाद पूछा गया, लच्छू महाराज किस नृत्य से जुड़े हैं? तो लच्छू महाराज जो हैं वो कथक से जुड़े हैं। और इसके बाद पूछा गया है, ई कॉमर्स किसे कहते हैं? ई कॉमर्स ये देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ दिया गया है, इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना ई कॉमर्स कहलाता है, ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। ये किसकी सहायता से एनिमेटेड कैरेक्टर एमएस ऑफिस में आते हैं? तो एमएस ऑफिस में एनिमेटेड कैरेक्टर किसकी सहायता से आते हैं? तो ऑफिस असिस्टेंट की मदद से एनिमेटेड कैरेक्टर एमएस ऑफिस में आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन बताना है, पत्र लेखन ये पूछा गया है, पत्र लेखन संचार का एक माध्यम है जिसे पत्र लेखन कहते हैं। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन संचार का एक माध्यम है। इसके बाद पूछा गया कि कार्यालयी पत्र किसे कहते हैं? तो कार्यालयी पत्र सरकारी गैर सरकारी व्यक्तियों अथवा विभागों को लिखे गए पत्र को कार्यालयी पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये कि सरकारी गैर सरकारी व्यक्तियों अथवा विभागों को लिखे गए पत्र को कार्यालयी पत्र कहते हैं। कार्यालयी पत्र में संबोधन किस शब्द से शुरू होता है? तो ये बताना है आपको, कार्यालयी पत्र में सेवा में शब्द के साथ संबोधन के साथ शुरू होता है। कार्यालयी पत्र लेखन शैली में विषय किस स्थान पर होता है? तो कार्यालयी पत्र लेखन शैली में विषय संबोधन के बाद दाईं तरफ होता है।
और इस समय क्वेश्चन बहुत कम मिल पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मैं डाल पा रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आप लोग जिनका इंटरव्यू हो गया है उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग अपने क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन बता दें, या ये ईमेल आईडी दिया हुआ है selfguidestudy@gmail.com, आप इस ईमेल आईडी पर बता सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? सन 1780 ईस्वी में ये पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, जेम्स अगस्त हिकी के बंगाल गजट से हुई थी। और कब हुई थी, किस समय हुई थी? तो 1780 में हुआ था ये पत्रकारिता की शुरुआत, और ये जेम्स अगस्त हिकी के बंगाल गजट से हुई थी। इसके बाद पूछा गया, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। और यहीं पर पूछ देगा अगर कि 11 तराइन का प्रथम ये तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, वो आकाशवाणी केंद्रों का टैगलाइन क्या है? आकाशवाणी केंद्रों का टैगलाइन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरव्यू के साथ साथ एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन है पूछे गए वो मैथ के क्वेश्चन है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या बताओ। तो इनमें से बड़ी संख्या बताना है, 28 मेरा आंसर आया है। आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितना आप लोग का आ रहा है आंसर। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, 147 × 147 प्लस 147 × 143 प्लस 143 × 143 अपॉन इतना जो दिया हुआ है, इसका मान बताना है। तो इसका मान 1/4 आएगा, तो 1/4 इसका मान आया है। आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितना आपका आ रहा है। और एक बात ये जरूरी बात है कि मैं बताना चाह रहा हूँ, जो जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं उसे मैंने अपने वीडियो में नहीं दोहराया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, और उसे मैंने अपने वीडियो में नहीं लिया है, क्योंकि उस पर पहले ही वीडियो बना हुआ है। तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें सारे प्रश्नों को जानने के लिए, और जिनके इंटरव्यू में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप लोगों के इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, ये पीडीएफ चाहिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं। ये लिंक आपको मिल जाएगा, गूगल पर आप लोग सर्च करेंगे इस लिंक को, तो आप आसानी से वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और यहाँ देखिए जो लिंक दिया हुआ है, www.youtube.com/selfguidestudycenter, इस लिंक पर जाकर आप डायरेक्ट मेरे वीडियो तक पहुँच सकते हैं और वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि दोस्तों का भी भला हो जाए, और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।